यहाँ हमारे बैग पैक हो गए और हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको ब्लॉग में पता चलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये तो गुड मॉर्निंग हो रही है, नहीं गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको ब्लॉग में पता चलेगा। और मैं पतिदेव और मन्नू जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताना मत है। हाँ बता दिया, तो चलिए फिर ब्लॉग को आप कंटिन्यू देखना और आपको पता चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, निकलते हैं, फिर गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ निकल चुके हैं और हम लोग बैठे हैं अभी ऑटो में, और हम जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड। और बस से हम मैं सफ़र नहीं कर सकती क्योंकि बस से सफ़र करना मेरे बस की बात नहीं है। हम आए टैक्सी स्टैंड पे और हम लोग वेट कर रहे हैं इसके टैक्सी के भरने का, और यहाँ ये दोनों रुके हैं। हेलो मन्ना। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं बहुत टाइम के बाद, यानी 4-5 साल लग गया होगा मुझे गांव में से। तो आज हम जा रहे हैं अपने गाँव, वहाँ किसी की शादी है, मतलब मेरे भाई की शादी है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और ये है मन्ना। मन्ना हाय करो। मन्नू भी जा रही है और पतिदेव भी जा रहे हैं और सब जा रहे हैं। और अभी हम टैक्सी स्टैंड में, और टैक्सी अभी भरी नहीं है तो अभी वेट करना पड़ रहा है। तो चलिए बाकी मैं आपको अपना गांव पूरा एक्सप्लोर कराऊंगी, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तक लिए टाटा बाय बाय। और हम जा रहे हैं तो यहाँ दोनों बाप बेटी सो गए मज़े से, और मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मेरे को नौजिया सा लग रहा था, तो मैं यहाँ वीडियो बना रही थी। और यहाँ हम पहुँच गए भीमताल, और यहाँ भीमताल का नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। नेचर की बात ही अलग होती है, जहाँ ग्रीनरी होती है वहाँ दिल अपने आप खुश हो जाता है। तो यहाँ पानी देख कर मेरा थोड़ा सा मन अच्छा हो गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा गांव है खैरना गरमपारी, और वहाँ जाते जाते रास्ते में बहुत सारे होटल्स वगैरह स्टे करने के लिए बहुत सी जगह हैं। तो जब आपको भूख लगे तो आप खा सकते हैं। हम लोग तो दिन का खाना खा के आए थे, तो इसलिए हमने खाया नहीं था और हम सीधे चले गए थे। और यहाँ देखिए कितना अच्छा मौसम भी हो रहा है और कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम पहुँच गए कैची धाम मंदिर, और यहाँ हो रही है बहुत भीड़, श्रद्धालु तो फ्रेंड्स, मैं पहाड़ में रहती ज़रूर हूँ, पर मैं एक बार भी कैची मंदिर कभी नहीं घूमी हूँ। इस बार सोचा था कि कैची मंदिर जाऊँगी, पर इतनी भीड़ थी कि इस बार का प्लान भी कैंसिल हो गया। अब जब भगवान का बुलावा आएगा तब ज़रूर जाएंगे, तो इस बार का प्लान तो कैंसिल हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अपने गांव का व्यू। और बस हम थोड़ी दूर ही पहुँचने वाले हैं, कैची से हमारा लगभग आधा पौना घंटा लगता है। पहुँच गए गर्म पानी, और यहाँ अभी रेस्टोरेंट में रुके हैं खाना खाने के लिए, और यहाँ मेरा बेटू सो गया है और मैं भी बैठी हूँ। मुझे तो भूख लग नहीं रही क्योंकि उल्टी कर करके हेडेक हो रहा है, और मैं अजीब सो रहा है। तो हम बैठे हैं गाड़ी में और पति देख रहे हैं कुछ खाने, और
अभी थोड़ी देर बाद हम मिलेंगे अपनी पूरी फैमिली से खैरना में। मम्मी लोग रुके हैं वहाँ, हमारा वेट कर रहे हैं और भैया ने बहुत लेट पहुँचाया, तो अभी हम वहाँ जाएंगे और सबसे मिलेंगे। बहुत एक्साइटमेंट है, सबसे मिल रहे हैं, बहनों से बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं। आज मेरी सारी बहनें, हम पाँच बहनें हैं, तो मेरी छोटी बहन तो नहीं आई है, लेकिन हम चार बहनें ही मिलेंगे और सब बहुत मज़ा आएगा। और मम्मी भी आई हैं, तो आप सबको अपनी फैमिली से मिलाऊँगी मैं, तो बने रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए। पति देव लाए हैं पकौड़े, हरे अभी पकौड़े। यहाँ मनु भी, तो फ्रेंड्स यहाँ मनु भी सो के उठ गया। मनु नहीं अच्छी आई, मजा आया नहीं आई हो? तो चलिए इसको भी कुछ खाना है, तो इसके लिए भी कुछ लेके आती हूँ और फिर मिलते हैं आपको। त्रिभुवन रेस्टोरेंट है, अभी इतना खा रहे हैं। ले लो चिप्स। मना आप लिए क्या रिया? गरम पानी की मार्केट। हाँ बेटा, तो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं खैरना पुल और ये है हमारा गांव और यहाँ है खैरना पुल और हमें जाना है बहुत ऊपर। ये है मेरी जिया जी और ये है नदी। नदी और ये कौन आ रहा भैया, कौन है भाई? तो ये आ रहे हैं, ओहो भैया मिल गया है, ये लक्ष्य। हाँ वेरी गुड। और यहाँ हम पहुँच गए और ये देखिए मेरी पूरी फैमिली हमारा वेट कर रही है और ये देखिए सामान ढोते हुए, है ना? और ये है हमारे माता रानी का मंदिर और यहाँ देखिए ये लोग जीते रहो जीते रहो। और ये है मेरी पूरी फैमिली। ये कौन है भैया? तो ये है मेरी बड़ी दी, ये है मेरी बड़ी दी और सबसे बड़ी दीदी कहाँ भागी? पहुँच गए हैं खैरना और अब हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर पनेरे तक और उसके ऊपर हमें चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये देखिए सारे कैसे और कैसे जाएंगे, क्योंकि हमें आदत नहीं है यहाँ से ऊपर चढ़ने की और विद बैग्स तो बिल्कुल भी नहीं, तो वहाँ से देखते कोई हमें लेने आ जाएगा। हाँ, तो मेरा व्लॉग है एंजॉय विद लक्ष्य, आप जरूर देखिएगा। ओके गाइस, इसका भी व्लॉग देखना और मेरा तो आप जानते हैं। मनु हमारे व्लॉग का नाम क्या है? मेरा भी अभी व्लॉग चल रहा है, दोनों का एक साथ। मन्नत मन्नत रॉक्स, ये गन्ना बच्चे हर वक्त जा रहे हैं अपने गाँव के सफर में। और ये देखिए रोड का नजारा और ये देखिए। हाँ बेटा और आप लोग एंजॉय कीजिए रास्ता। डाल दे यार इसको, अब वो उसके अंदर है, स्लीपर वहाँ से डालूंगा घर से डालूंगा। और ये देखिए हम लोग सब एडजस्ट हुए हैं और तो फ्रेंड्स यहाँ का व्यू देखिए कितना सुंदर है और ये सीढ़ीदार नुमा खेत और वहाँ डोबा का साइन बोर्ड भी दे रखा है। मैं डोबा का साइन आपको पिछवा गए तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर डोबा का साइन बनाया और हमारा गांव है डोबा। नाम है क्या है? डोबा। हम कहाँ जा रहे हैं? डोबा गांव। डोबा दो पहुँच गए यहाँ पनेरे और यहाँ से हमें ऊपर चढ़ाई करके जाना है और यहाँ सब लोग सामान सामून उतार रहे हैं और यहाँ सब लोग उतर गए हैं। और ये देखिए बच्चा पार्टी, बोलो आप ला रहे थे दादा। और यहाँ से हमें ऊपर देखिए चढ़ाई करके जाना है। यहाँ हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे हैं, सब अपना अपना सामान लेके आ रहे हैं और पीछे भी लोग आ रहे हैं। अभी कुछ नहीं कब रखा, ये तो मेरा शाबाश बच्चा है। ये देखिए ये लोग भी आ रहे हैं, थक जाओगे रहने देना क्योंकि ऊपर से लोग आ रहे हैं अभी। तो यहाँ देखिए बच्चे भी अपने आप चले जा रहे हैं। तो ये देखिए ये लोग आ रहे हैं, ये देखिए इनका भैया अपनी दो बहनों को ला रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये लोग आ रहे हैं, ये चढ़ चढ़ के थक गए और ये पीछे और ये और पीछे और ये दोनों जिया जा रहे हैं, बहुत पीछे ही हैं। और नानी चली गई ऊपर और ये बच्चे क्या हो गया है? इस्माइल इस्माइल देखो सामान ढोने वाले हैं और ये जा रहे हैं अब और सामान लेने। चल जाना बेटा, हाँ कू बेटा आराम से। हाँ शाबाश, लोग थक गए
और रास्ते में बैठ बैठ के आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ के बच्चे कितनी जल्दी जल्दी चल के आ रहे हैं। थकान के मारे। अरे बाप रे, ये लोग आगे जल्दी। हर्षी तुम क्यों नहीं लाए बैग? क्या आई बरात आई? ये देखो मन्नु किसका बेबी है ये? खाना खिलाते चलो, घास लाओ घास। हिमालय है और ये है मेरी नानी का घर। वो देखो जीप कितनी ऊपर। और मन्नु के पापा सबसे पहले पहुंच गए चढ़ चढ़ के। सब लोग नीचे आ गए ताकि नंबर हमारा है। अरे देखिए लक्ष्य की हालत। हम लोग एक्टिव है भैया। इसके पापा सबसे पहले पहुंच गए और इसके बाद डुग्गू। बाप रे तुम ही बस। और ये है हमारा घर और ये लोग आ गए। ये मनु कौन सा मामा आ रहा है? ये देखो इधर को हाथ पकड़। कौन सा मामा? फूफी मामा। चुप। ये देखिए ये सब है हमारे घर वाले। ये है हमारी भांजिया, भतीजिया, भांजिया। तो तुम हमारे मुझे रिश्ते तो किसी के भी नहीं पता। तो ये देखिए और ये है हमारा घर। भूत भगारी तुम्हारा। मैंने सबको पहला करो। फ्रेंड्स यहाँ ये लेके आ गए चाय और ये पहाड़ी चाय केतली। और ये भी आ गए पहाड़ी चाय केतली। एक केतली चाय एक केतली चाय। हमारी मामी का घर और मामी का चेयर है विक्की के घर जिसकी शादी है। और यह है विक्की और का। यहाँ हमारे स्वागत में लिखा है स्वागतम। बकरी यार मैं तो पागल हूँ। इसको देखना वो है दूल्हा कहाँ गया? डाक डुक्कू कह रहा है। ए राजा मन्नू दूल्हे राजा कहाँ है? जिंदा नहीं दूल्हा की एंट्री। ये राकुटा ऐसे करो। हाँ ये राकुटा। मन्नू कौन है? देखो सीजर। ये बिकी मामा। ये बिकी मामा आ गए। आओ चलो बधाई हो, बधाई हो दूल्हे राजा को, बधाई हो। बिक्की मामा तुम्हारे घर आज चुके। अजी तरह अजी तरह देखो मन्नु की छोटी बहन। बहन होगी क्या? होगी नहीं, बहन बहन ही होगी ना। तो ये देखो पहाड़ी लोग की शान, ये खुरूड़ी खा रहे हैं। ना ना मैं नहीं खाती यार। अरे खा लो यार। ना यार ना ना मैं मलाई नहीं खाती। तो ये देखिए पहाड़ी लड़की रोट खा के पिसी ओलना। अपने पेट के लिए करना पड़ता भैया। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए खाना बनाने के लिए आटा ओला जा रहा है। मन्ना बेटा पीसी ओला जा रहा है यार। पीसी पीसी यहाँ। और यहाँ मेरा कुकर तो सिर्फ पानी पानी। तो फ्रेंड्स यहाँ सब मेरी दीदी लोग तो चूल्हे पर रोटियाँ सेक रहे हैं। और वैसे चूल्हे की रोटी की बात ही अलग होती है। इस रोटी में बहुत टेस्ट होता है। तो यहाँ ये लोग रोटी सेक रहे हैं। तो गाइस अभी को लग गई है भूख और यहाँ से सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। मन्नत ये अच्छा लग रहा है? बड़ी खाने, बड़ी। और यहाँ पे अभी भी एंजॉय करते हुए खाना। डुग्गू तो यहाँ अब भूख भी बांट रहे हैं पति देव को खाना और अब खा रहे पति देव और दीदी और रधु खाना। और यहाँ मन्नत खेल रही है। मैंने अपने हाथों में लगा लिया। मैंने दिखाओ मन्ना दोनों यहीं पे खड़े रहो। तो दिखाओ अपने अपने हैंड्स। वाह पीछे 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 और पीछे। और यहाँ सब सो रहे हैं। मन्ना भी सो रहे हैं। और मन्ना को नीनू बिल्कुल भी नहीं आ रही है। मन्ना को बिल्कुल नीनू नहीं आ रही है। देखो मम्मा को नीनू आ रही है। मन्ना को बिल्कुल भी नीनू नहीं आ रही है। आ रही है? मेहंदी कहाँ लगाई मन्ना ने? हाँ हाँ इसकी तो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। तो चलो सबको गुड नाइट बोल दो फिर। मम्मा ने नहीं लगाई ना क्योंकि मन्नू सो ही नहीं है। इसलिए मम्मा ने मेहंदी भी नहीं लगाई है। और जब मन्नू सोएगी तब मम्मा मेहंदी लगाएगी। ठीक है? अच्छा सिर पे लग जाएगी मेरे हाथ से।